भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। महंगाई ने तो हमको किसी जगह का नहीं छोड़ा, ना चाहते हुए मैनेज तो करना ही पड़ेगा। पहले प्याजा ने बस बंदे का जीना हराम कर दिया, अब गैस ने भी कर दिया। घर का जो सिस्टम है, जो अर्थव्यवस्था है, फाइनेंशियली हम लोग बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। 300 से 400 रुपए बढ़ गई है सिलेंडर, और पहले खाते में पैसे तो जमा होते थे, अभी पैसे भी जमा नहीं होते, सिलेंडर के भी रेट बढ़ गए। घर वाले कमाने वाले कम हो गए हैं और महंगाई तो बढ़ रही है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। ये जो पेट्रोल 92 हो गया, तो देश हित में योगदान मानते हैं या फिर मोदी सरकार का अत्याचार है? मोदी साहब का कमीशन है इसमें। जो कुछ भी हुआ है जी, ये तो गलत ही हुआ है। आम आदमी की तो कमर ही टूट गई। झूठ बोलिया इसने, मोदी ने। मोदी सरकार झूठ बोलती है और कुछ नहीं करती। मीडिया वाले क्यों कह रहे देश हित में चल रहा है? मीडिया वाले ने हमारा कह रहे हैं सर मोदी तो पैसा मिल जाएंगे मोदी सरकार, और कहा है मोदी सरकार बहुत ही महंगाई की मार। वो नारे पे भरोसा किया था क्या? भरोसा किया था, वोट दी थी इनको, पूरा समर्थक दिया था हमने तो। अच्छा, फिर भी यो वाली बात नहीं। कांग्रेस सरकार में क्या था, बस पेट्रोल का मुद्दा था, इतना महंगा तो उस टाइम भी नहीं हुआ। अब की बार पेट्रोल 100 के पार, यानी पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है और डीजल भी ज्यादा पीछे नहीं है।